एक तरफ जहां खतरों के खिलाड़ी 12 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, शो में पार्टिसिपेट करने वाले तमाम कंटेस्टेंट का फर्स्ट लुक भी वायरल हो रहा है, तो वहीं अब शो की एक कंटेस्टेंट एंट्री करने से पहले ही पड़ चुकी है बीमार। हालत ऐसी है कि एक्ट्रेस को हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ा। वेल, हम यहाँ बात कर रहे हैं गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा फेम एक्ट्रेस कनिका मान की। शो की शुरुआत से पहले ही कनिका मान की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। एक्ट्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वो चाहकर भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जा पाई। कनिका की हालत कैसी हो गई है, इसका खुलासा भी एक्ट्रेस ने टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में किया है। जी हाँ, कनिका ने बताया है कि वो बीते कुछ दिनों से केवल लिक्विड चीजों पर ही टिकी हुई हैं और कुछ हार्ड नहीं खा रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी ये हालत ज्यादा काम करने की वजह से हुई है। उन्हें डॉक्टर ने ऐसा करने से साफ मना किया था, लेकिन इसके बाद भी एक्ट्रेस ने ओवरवर्क किया और अपनी सेहत खराब कर ली। वेल, कनिका का नाम काफी पहले ही खतरों के खिलाड़ी के लिए कंफर्म हो चुका था और उनके फैंस भी टीवी की गुड्डन को शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी हालत में कनिका शो का हिस्सा कैसे बनेंगी। अब भाई, कनिका की जो हालत है, जाहिर तौर पर फिलहाल तो वो शो का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। खुद कनिका ने भी इस बात को जाहिर करते हुए बताया है कि वो खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन अब उनकी खराब सेहत हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही। एक्ट्रेस ने बताया कि अपनी तबीयत की वजह से ही उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 12 का प्रोमो शूट को छोड़ना पड़ा। अब अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए कनिका थोड़ा वक्त लेने वाली है। वेल, भले ही कनिका फिलहाल शो की शूटिंग ना कर पाई हो, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कनिका के ठीक होने पर वो शो को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। बता दें कि कनिका मान ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में खूब नाम कमाया है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अलावा कनिका मान कई पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी है। आखिरी बार कनिका को MX प्लेयर की वेब सीरीज रूहानियत में देखा गया था। हालांकि अब शो में उनकी एंट्री किस मोड पर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।